नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीएफ के लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज का जो है वो शुभारंभ कर किया हुआ है। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू सीरीज का 42वां भाग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 41 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो 41 भागों को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उन 41 भागों को देख लीजिएगा। इससे आपको दो बेनिफिट होने वाले हैं। पहला तो आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे, दूसरा जो रेलवे है वो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनको रिपीट करता रहता है। इस वजह से भी ये जो सीरीज है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके कि कितना आप यहाँ पे जो करेक्ट है वो क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के जो वीडियो सेशन की है वो हम शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना पार्ट नंबर 42 आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज 2018-19 और 17 शिफ्टों में ये जो क्वेश्चन पेपर है वो लिया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कहा गया दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो दिल्ली से संबंधित जो प्रावधान और विशेष कार्य वगैरह है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 242 या फिर अनुच्छेद 240। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दिल्ली से संबंधित जो विशेष प्रावधान है वो संविधान के 239 भाग के अंदर, संविधान के 239 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड में कहा गया निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है, किदंबी श्रीकांत, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा या फिर पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो विनेश फोगाट है यही कुश्ती से संबंध रखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में कहा गया 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल पहली फसल है। तो कौन सी पहली फसल है, मक्का, चावल, रागी या फिर गेहूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो गेहूं की फसल है यही पहली फसल है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र निम्नलिखित में से कुछ किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है ये किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या फिर केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है ये केरल उच्च न्यायालय के जो अधीन आता है अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। फिफ्थ में कहा गया माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर अवस्थित है, निम्न हिमालय में, शिवालिक क्षेत्र में, महान हिमालय में या फिर ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये महान हिमालय क्षेत्र के अंदर जो है वो अवस्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया वित्तीय घाटा का अर्थ है। तो वित्तीय घाटे का अर्थ क्या है, बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, वित्तीय घाटे का अर्थ ये तीनों ही होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और अर्थकाव्य शास्त्र से संबंधित है। तो साहित्य का कौन सा जो ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंध रखता है, मणि मेघलई, शिल्पाधिकारम, तोलक्का पियम या फिर जीवक चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा तोलक्का पीएम जो है वो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन पर, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर एट पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान राज्य के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन पर। नाइन में कहा गया पट चित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो पट चित्र जो है वो किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, उड़ीसा, सिक्किम, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो पट चित्र है ये उड़ीसा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर टेन पर।
टेन में कहा गया, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प शिल्प या फिर धन विज्ञान से संबंधित है? तो गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र या फिर धनुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो शिल्प शास्त्र है यही वैदिक ग्रंथ और शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 49th अक्षांश उत्तर डैश के मध्य एक अंतर्राज्यीय सीमा है। तो 49th अक्षांश उत्तर जो है ये किन देशों के बीच में एक सीमा रेखा है? जर्मनी और बेल्जियम के बीच में है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 49th जो सीमा रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में कहा गया अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अल्पेशियन पर्वत जो श्रृंखला ये किस महाद्वीप में अवस्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर एशिया। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है ये उत्तरी अमेरिका के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 9 मिनट और 20 सेकंड, 8 मिनट और 50 सेकंड, 9 मिनट और 50 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो सूरज का प्रकाश है इसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में कहा गया राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कुलपति कौन होता है? तो जो ये राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, इनके जो चांसलर या फिर कुलपति बोला जाता है वो कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर या फिर कुलपति होते हैं ये राज्य के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? सबरी, तेल, मूसी या फिर जोंक। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सबरी नदी है यही गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया पहले जैन परिषद का आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो जो पहले जैन परिषद थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरई या फिर वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो पाटलिपुत्र है यहीं पर पहली जैन परिषद का जो आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहा गया अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर लाओस। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहा गया प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से डैश का आदर्श वाक्य था। तो किस गेम का ये आदर्श वाक्य था? प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। प्रथम पैरालंपिक खेलों का ये आदर्श वाक्य था, प्रथम एशियाई खेलों का था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का था या फिर प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रथम एशियाई जो गेम्स थे उनका जो आदर्श वाक्य था वो ये था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कहा गया दल्ली राजहरा की खानों से लोह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस कारखाने को की जाती है? तो किसको की जाती है? भद्रावती इस्पात कारखाना, विजयनगर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना या फिर सालेम इस्पात कारखाना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भिलाई इस्पात कारखाने को जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो ये जो पैडल है ये टेबल टेनिस में प्रयोग होता है और ये जो पैडल है ये किस चीज़ को दर्शाता है? स्कोरबोर्ड को, नेट को, बाल को या फिर बैट को। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो पैडल है ये बैट को दर्शाता है। ये टॉप 20 क्वेश्चन थे आज के, दो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। YouTube पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है और इस कंप्लीट वीडियो सीरीज की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।